मुझे ऐसा शक हो रहा है कि चोर आपके बीच में से कोई है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, इंस्पेक्टर साहब, इधर आओ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा दूल्हा भाग गया। ओहो, क्यों भाग गया भाई? पता नहीं, वो मेरे मुंह दिखाई की रस्म थी, देखते ही भाग गया। ये मुंह दिखाई थी क्या? मुंह डराई थी ये? कहाँ भाग गया आपका दूल्हा? देखिए, ये तो मुझे पता नहीं। दिखने में कैसा था दूल्हा आपका? देखिए, शक्ल तो देखी नहीं, लेकिन मुंह पे थोड़े फूल फूल थे। ओ, अच्छा, ये काजू आपने बाहर की रखे, खाती क्यों नहीं इनको? तो चेहरे पे फूल फूल थे जी? मतलब दूल्हे का मुंह सेरे जैसा था? नहीं सर, मुंह पे सेहरा लगा हुआ होगा। तेरा जूते जैसा मुंह, तेरे को कैसे पता सेहरे वाला मुंह कैसा होता है? वो तो है। देखो, तुमने दूल्हे की शक्ल नहीं देखी, ना उसको भागते हुए देखा, पता कैसे चलेगा दूल्हा कौन है? ये लीजिए 10,000 रुपए। पता कैसे नहीं चलेगा भी, ऐसे छोड़ने को भाग सकता है? क्यों भागा था भाई शादी छोड़ के? शादी छोड़ के क्यों भागा था? 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 मैं तो सर वहां चाय बनाता हूँ, मेरी चाय की टपरी है, मैं कहां से इसका दूल्हा हो सकता हूँ? मेरी तो ऑलरेडी शादी हुई है। ओ, ओ, क्या? ऑलरेडी शादी हुई है? आ? पहली बीवी कहां है तुम्हारी? गांव में। अच्छा, तो पहली के होते हुए दूसरी शादी कर रही है, तो और भी बड़ी वारदात है। इसे शादी कर, चल शादी कर, शादी कर। मेरी सर बात सुनिए, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं ऑलरेडी शादी शुदा हूँ। कोई बात नहीं, फिर क्या? तू एक बात बता, शादी करनी की गोली खानी है? शादी करेगा ऑफकोर्स, गोली क्यों खाएगा? गोली मार दो यार, मारो गोली, मारो गोली मुझे, मारो गोली, मारो गोली। मेरी शक्ल में कमी क्या है? नीचे तुम्हारे बस मंगल मांगलिक की तुम हो मैं? एक मांगलिक तुम कैसे हो सकती हो भी? मंगल पे तो अभी तक पानी नहीं, तुम वहाँ से कैसे बिलोंग कर सकती हो? नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, दरअसल मुझे मंगल लगा हुआ है। अच्छा, आपको मंगल लगा है, मुझे हेपेटाइटिस बी लगा हुआ है। हाँ जी, और मुझे रोमिंग लगा हुआ है। अभी तुझे एक और चीज लगाता हूँ। ज्यादा बकवास नहीं करनी मेरे साथ। जो साथ खड़ा होता है उसके लगता ही लगता है, मैंने देख लिया है, मैं इसीलिए इधर आगे खड़ा हो गया। बस बैठ, बकवास कर रहा है। दूल्हे को छोड़ के भागने वाला उठाई गिरा? सर, जो उठाते हैं उसको उठाई गिरा बोलते हैं, जो भगाते हैं उसको भगौड़ा बोलते हैं। यार इधर हो जाओ यार, मैं इधर जवाब दूंगा। सारी तुझे गालियां पता तेरे को सारी, इसका मतलब तू करता रहता है ये सब काम। क्यों भागा, क्यों था तू इधर? नशे में धुत रहने वाला जेब कतरा। सर, क्या सबूत है आपके पास कि मैं उसका दूल्हा हूँ? मेरे पास सबूत है। आवाज तुम्हारी निकल रही थी। अरे ये देखिए, तन्नू वेट्स मन्नू। मेरी बात सुनो एक, ये जो तुम्हारा ठुमका निकलता है, ये चाबी दी हुई है, चाबी दी हुई है। तुम चुप करो, ये देखो, ये मेरा दूल्हा तन्नू वेट्स मन्नू। तुम अपने सेल थोड़ी देर के लिए निकाल क्यों नहीं देती? हर बात पे नहीं, क्या होता है? ये यहाँ पे लिखा है तनु वर्स मनु। हाँ, ये मनु, देखो मेरा नाम चंदू है। चंदू? हाँ, चंदू मनु। ऊ तो मिल रहा है ना, तो जितना ऊ मिल रहा है ना उतनी शादी कर, चल शादी कर। अरे सर, मुझे ऊ से डर लगता, मुझे इसका मुंह से डर लग रहा है। क्या तकलीफ है मेरे मुंह में? मेरे मुंह के पता है कितने फायदे हैं? मेरे मुंह के तो इतने फायदे हैं, मैं तो बोतल का ढक्कन भी मुंह से खोल लेती हूँ, मेरा दरवाजे भी दांत मार के कचन में का निकाल लेती हूँ, बहुत फायदे मेरे। उसका क्या फायदा है वैसे? अरे सर, मैं का बेच के पैसे मिलते हैं, मेरे पापा कबाड़ी है ना। और छोड़ो, मैं तो गाना भी बहुत अच्छा गा लेती हूँ। अच्छा? अरे गाना ना इन दांतों में से फिल्टरों के बाहर आता है। तो ले म्यूजिक दे। होटों पे ऐसी बात में दबा की चली आई, बुलाई तू तू आ गई रे तू बस। होटों पे ऐसी बात दबा की चली आई, खुल जाई वो बात दुहाई रे दुहाई। होटों पे ऐसी बात में दबा की चली आई, खुल जाई जो ही बात दुहाई रे दुहाई। ये लो। ओए, तुम रेडियो की बेटी हो? नहीं नहीं, थैंक यू। बड़ा अच्छा कर रही थी आप, 10 रुपए का और कर दीजिए। साले इधर मूंगफली लेने आया। बात सुनिए, मैंने तेरे थप्पड़ मारा, 10 रुपए का और कर दीजिए। सर मेरी बात सुनिए, कुछ भी हो जाए मैंने इसके साथ शादी नहीं करनी।
क्यों नहीं शादी करनी भाई? लड़की में कमी क्या है जो शादी नहीं करनी? करेंगे कितना अच्छा करती है वो। तो खुद कर लो, आप कर लो शादी, करो इसके साथ शादी करो। देखो जी मेरी बात सुनिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं उधर चाय बनाता हूँ, ये डॉक्टर बहुत अमीर है, आप इसके साथ शादी कर लीजिए, बहुत खुश रहेंगी आप। तेरे को क्या पता खुश रहेगी कि नहीं रहेगी वो? नहीं मेरा जी पेंचर का काम है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। डॉक्टर पेंचर वाला। इतना इतना आपके मुंह में थूक है, आप कहाँ से गरीब है? तो तेरे को दे दो थोड़ा सा जायदाद अपनी। देखिए डॉक्टर साहब, आप गरीब आदमी हैं, उसकी चिंता ना करें आप। माशाल्लाह जितने लंबे दांत हैं लड़की के, गरीबी तो आपकी दो दिन में काट देगी। नहीं नहीं, लेकिन उसके बाद घर की जो रजाइयां फाड़ेगी उसका क्या करूं मैं? तो मेरी गलती है वो, मेरी गलती ना करो जाइए। अरे नायलॉन का कंबल यूज कर लो तुम। और वैसे भी शादी करके तुम गरीब नहीं रहोगे, मेरे पापा 2 करोड़ रुपए देने वाले हैं। एक मिनट, करोड़ों की बातें हो रही भी, बुजुर्ग निकले यहाँ से, चलो हाथा खा सकता है। करोड़ों की बातें आपने पहले बताया नहीं, आपके पिता करोड़ आपको मैंने बताया नहीं एक्चुअली। तो आपका दुल्हा मैं ही हूँ, ये देखो मेरा सेहरा। नहीं नहीं जी, मेरा सेहरा रेडी है। नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ। देखो जी सेहरा मैंने पहना हुआ, देखो जी आप फेरे लीजिए जी, मेरे साथ आइए जल्दी। एक मिनट, मैंने बाल पकड़ के मैं आपका दुल्हा हूँ जी, मैं मरते दम तक आपका साथ रहूंगा, बल्कि आपको पहले मारूंगा फिर बाद में मरूंगा। मेरी बात सुनिए, आप इधर चोर पकड़ने आए कि शादी करने के लिए आए हैं? प्लीज इधर हो जाइए। एक मिनट जी, मेरे फेरे होंगे जी। तेरी वजह से बच्चे की पिटाई हो रही है। वेट, अब मैं सर उधर जा रहा हूँ, कहाँ है मुझे उधर कोई। देखो तुम मेरी दुल्हन हो, मुझे तुम्हारे दांतों से बहुत प्यार है। नहीं नहीं, मैंने पहली बार तुम्हारे दांत देखे थे, मेरी मसूड़ों में खुजली होने लगी थी। चलो हट जाओ पीछे। नहीं आपकी बेटी क्या बराबर की है, वो क्या कर रहे हैं? चलिए आ जाओ। अरे मेरी बेटी तो खुद अपने बराबर की नहीं है, जब वो अपने आप को मापती है 2 इंच छोटी हो जाती है, मेरी बेटी के बराबर की। तेरे को बड़ा पता। एक मिनट, ऐसे सडनली मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। तो मेरा स्वयंवर हो रहा है ना, उसके लिए जो आप तीनों में से मेरे को खुश करेगा वो मेरा पति। मैं खुश करूंगा, मैं खुश कर। ओए मैंने डंडा मारना है तेरे, तो ऐसे खुश हो जाएगा वो। एक मेरी बात सुनिए, आप डंडे के साथ काम मत लीजिए। वो खुश हो ना हो, तेरे मैंने सुझा देना कुछ ना कुछ। मैं सुनाऊंगा, एक चुटकुला सुनाता हूँ आपको खुश करने के लिए। इशाद शेर नहीं सुना रहा मैं। एक बार ना एक हाथी को देखिए, ये काम सिद्धू साहब का है, आप मत करें। भाई चुटकुला पूरा हो गया ना हाथी को? देखिए राइट लेफ्ट तो आपने बड़ी बार थप्पड़ खाया, कभी फ्रंट पे खाया? पूरा चुटकुला सुन मेरा। हाथी को एक बार रिश्ता आता है चींटी का, तो चींटी के घर वाले मना कर देते हैं। पूछो क्यों? क्यों क्यों? कहते लड़के के दांत बाहर है। फिर आगे आगे मैं हंसी नहीं आई, मैंने तो ये जब चुटकुला सुना था मैं हंस हंस के मर गया था, मेरे को बहुत हंसी आई थी। आपने शायद सुना नहीं, कानून के चुटकुले बहुत लंबे होते हैं। कानून के तो हाथ लंबे होते हैं जी। मेरे को पसंद नहीं, ऐसा लग रहा है डायरेक्टर मेरी बेइज्जती हुई है। और कुछ सुनाओ कुछ। मैं सुनाता हूँ जी। एक बार ना एक आदमी होता तो कहता है मैं मच्छी नहीं खाता, मच्छी में कांटे होते हैं। तो दूसरा आदमी कहता है तो चप्पल पहन के खा लिया कर। बिल्कुल मुंह जैसा चुटकुला सुनाया इन्होंने। मैं सुनाता हूँ, मेरी बारी है। मेरे को तो बड़ी हंसी आई थी, मैंने पहली बारी सुना था। अभी फिर आएगी तेरे इधर। लो जी एक बार हाथी होता है। लो जी क्या होता है? लो जी। लो जी एक बार चींटी होती है। हाथी होता था पहले, अभी कह रहा चींटी होती है, तो अपनी बात पे यकीन नहीं है यार। मैंने चुटकुला थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। एक बार एक चींटी होती है उसको मॉडिफाई तेरे को किसने सिखाया? अभी तू तो चाय बेचता है, तेरे को मॉडिफाई किसने सिखाया? ये मॉडिफाई तेरे को आया कैसे? चुटकुला सुना दोबारा। इधर आ जाइए। ये क्या चुटकी? ये चुटकुले की किताब है, इधर आएगी, इसमें से पढ़ के सुनाना तूने। यार सुनाने दो, आपने खुश होना कि नहीं होना? हट जा, मेरा पति है ना, हट जा। शाबाश, आओ आओ आओ, करो 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 करो, मजा आ रहा है। सीधी कहीं भी नहीं जा सकती, हर जगह ऐसे ऐसे करके जा। लो जी एक बार जी, मैं कूनी मारनी तेरे। मैं एक बार एक चींटी होती है, दो बार क्यों नहीं होती जी? मार दो गोली इसको। मारू मेरी आगे डंडी कौन तोड़ के ले गया? ये खा गई होंगी। अच्छा
एक बार एक चींटी होती है, उसको हाथी का रिश्ता आता है, लेकिन चींटी के घर वाले मना कर देते हैं। पूछो क्यों? मैंने नहीं पूछा। लड़के के दांत बाहर हैं। तो मैंने जो पहले सुनाया था वो गलत था। वो नहीं, मेरी वाली चींटी लाल थी ना। तेरी वाली चींटी लाल थी? हाँ जी। तो तेरी लाल करता हूँ मैं। तुम बकवास कर रहे हो। तेरे को मैंने सबसे पहले खुश किया है। 2 करोड़? आप सच बताइए किससे खुश हुई है? लाल एक दांत का 1 करोड़, 2 करोड़। मच्छी वाला चुटकुला बेस्ट था कि नहीं, आप खुद बताइए। आप अपने जिसको भी मानती है उसको बताइए सोच के। अच्छा, मुझे 10,000 रुपए दे दे, कोई बात नहीं। देखो भाई, ऐसे चुटकुले जोक वो कॉमेडी नहीं करनी। मेरे को गाना सुनाओ, किसको गाना आता है तो सिंगर। मेरे मुंह पर फेंक दिया। सिंगर और देवानंद किधर गई? उधर देखा किधर गया? किधर लेके भाग गया? कहीं वो हमें दुलिया तो नहीं बना गया? और दुलिया नहीं उसको हमने। मुझे पता क्या कहते हैं उसको। हाँ। तो अब क्या करें? आप इधर आ, देख किधर है वो। चला इसको उधर देख, मैं देखता हूँ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।